व्यास कपूर जी पंचकुला हरियाणा महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी मेरी आयु कोटी को अपने जीवन काल में मैंने परिवार में पूज्य दादी पिता माता संबंधियों के अतिरिक्त हाल में अपनी पत्नी का देखा महाराज जी ये सभी अक्सर मेरे सपने में आते हैं कोई बात तो नहीं करते पर मैं उन्हें कष्ट में हालत में देखता हूँ महाराज जी क्या ये मेरे द्वारा उनके प्रति किसी प्रतिकूल व्यवहार का परिणाम है या सेवा भाव में कमी ऐसा कुछ नहीं है ये स्वप्न तीन प्रकार के होते हैं एक होता है जिनसे हमारा मानसिक संबंध रहा है तो बिना किसी कारण के कल्पनात्मक उनके दृश्य उपस्थित करना एक होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं ऐसा स्वप्न स्वप्नाना तो एक होता है भागवतिक किसी महापुरुष का आगमन होना ये सत्य के अंतर्गत आता है वो आपको निर्देशन या आपको दुलार या आज्ञा जो भी आज्ञा वो सत्य होता है अब ये मन बहुत से संस्कारों से संबंधियों से जुड़ा है तो आप देखो कोई इतना ही स्वप्न थोड़ी आता है कितने स्वप्न आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है ऐसे ही ये परिवार के सने संबंधियों का जो आता है उससे दुख सुख का लेना देना नहीं है हाँ ये जरूर है कि हम अपने जीवित अवस्था में कर्तव्य का उनके साथ पालन किया कि नहीं किया अगर किया तो धन्य है अगर नहीं किया तो अब कर लेना चाहिए उनके प्रति नाम जप करना उनके प्रति दान पुण्य करके उनको प्रदान करना जैसे पिता है या पिता है ये हम यहां से जो भी दान पुण्य करेंगे जो भी अनुष्ठान कराएंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा उनको पहुंच जाएगा ऐसा विधान है इसीलिए परिवार में चाहा जाता है कि कोई हमारे हो जो कम से कम हमें दान कर सके पानी दान कर सके अन्न दान कर सके या कुछ ऐसा जैसे ना दान कहा जाता है कि भाई पिंड दान करने वाला तो कोई हो तो आप अपने पूर्वजों के लिए जो किए हैं वो आपको पता है व्यवहार कैसा किया है अभी जो आप किए हैं वो पता है अगर करने की कोई आकांक्षा ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वज विपत्ति या दुख में है क्या उनके लिए कर लेना चाहिए श्रीमद भागवत का संस्कृत से अनुष्ठान कराना गौ ब्राह्मण संतों की भोजन आदि करा करके वो सब दान उनको कर देना मंत्रों का जप करना या नाम का जप करके कीर्तन करा के उनको प्रदान कर देना इससे उनका मंगल जहाँ भी होंगे जिस योनि में जहां भी उनका उत्थान होने लगेगा उनकी उन्नति होने लगेगी ऐसा और खास भगवान या भगवान के भक्तों के सिवा स्वप्न में जो कुछ सब मिथ्या ही होता है जैसे आप स्वप्न में देखते हैं मैं ये कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं तो कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता अब लोग उसी में फंसा देते कि स्वप्न का क्या मतलब हो सकता कुछ नहीं हो सकता स्वप्न है राजा जनक जी एक बार सैया में पड़े सोए और स्वप्न देख ला कि हमारा सारा राज्य छिन गया और मैं एक भिखारी बन गया और बहुत भूख लगी है अब मांगे तो थोड़े से चावल और दाल मिला तो मटकी में मिट्टी के पात्र में उन्होंने लकड़ी बीन करके खिचड़ी पकाए और वो पक्के तैयार होने वाली थी दो साण आए लड़ते हुए ऐसे लड़े कि पूरा बिखर गए और भूख से व्याकुल अरे ये क्या ऐसे क्या? पूरा मेहनत किया हुआ सब भोजन और आंख खुली तो महाराज जनक का सयाग्रह तो उनका ये सत्य की वो सत्य जो अभी जनक भूखा डोल रहा था भीख मांगा और वो चावल दाल पका रहा था वो जनक सत्य या ये, ये सत्य क्योंकि उस समय ये सत्य नहीं था इस समय वो तो सत्य कौन है अब उनके सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठते तो आकर प्रश्न किया ये सत्य कि वो सत्य अब कुछ उसकी व्याख्या हो तो समझ में आए ये सत्य कि वो सत्य अब कोई उत्तर ही ना दे वे। तो जब ये बात अष्टावक्र जी को पता चली तो सभा में नवीन अवस्था थी सभा में आए और जनक जी से बात की जनक जी ने पूछा कि ये सत्य कि वो सत्य तो उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य उमा काउ में अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपला सपला तो सपला है ही जागृत भी सपला है सत्य है हरि नाम तो आप ये समझ लीजिए ज्यादा उस पर विचार मत कीजिए यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है धन आपके पास है तो ऐसी कुछ सेवा दान पुण्य करके कहीं ऐसे जैसे गौ सेवा है गौ को चारा पवा दिया है ना कहीं साधु महात्मा को किसी किसी एक को भी भोजन पवा दिया और वो कहीं भागवत हो रही उसमें सहयोग कर दिया नहीं पूरी भागवत करवा सकते भाई हमारे कुछ रुपए इसमें सहयोग में हो गए और उसका फल हमारे माता पिता दादा दादी को मिले ऐसे भाव किए जाते तो उससे उनको कल्याण होगा उससे उनका मंगल होगा खुद नाम जब करे मान लो एक बार एक माला में एक सौ आठ नाम होते हैं और एक सौ आठ नाम जब करके हमने दे दिया कि हमारे बाप को प्राप्त हो हमारे बाबा को प्राप्त हो हमारी माँ को प्राप्त हो तो उनको प्राप्त हो जाएगा उनकी उन्नति होगी एक नाम भी कल्याण कर सकता है इसलिए स्वयं करे अर्थ के द्वारा ऐसा करके कर दे और बकाया ज्यादा स्वप्न का विचार न करे ये व्यर्थ होते हैं हाँ कोई संत महात्माएं भगवान का आदेश दे वो बात अलग होती सब है सब ऐसा व्यर्थ होते हैं ये व्यर्थ में फसो मत अगर स्वप्निक विचारों वालों से बात करोगे तो आपको फंसा देंगे कुछ नहीं जब जागृत स्वप्न है तो फिर स्वप्न तो स्वप्न तो ही है भगवान शंकर कह रहे उमा कहो मैं अनुभव अनुभव अपना सत हरी जगत सब सपला समझ रहे आप जी